अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इन चार में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है और वो कैसे की जा सकती है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज क्या है, जरा इस तरीके से बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया स्टडिंग करना, तो एक सिंपल सा स्टडी मटेरियल आप कहीं से भी ले लीजिए, या हमारे यहाँ से या कहीं से भी, और ढेरों स्टडी मटेरियल दुनिया में रखे हुए हैं, आराम से किताबें पढ़ो और हो जाएगा। आपने कहा नहीं यार। और फिर आप दूसरी चीज कहते हो कि कोई आपको बहुत जबरदस्त ढंग से टीचिंग कर दे, पढ़ा दे, आपके सामने लेक्चर को नरेट कर दे, अलग अलग तरह की कहानियां सुना दे, जोक सुना दे, तो ये तो ढेर सारा यूट्यूब भरा पड़ा है। फिर भी यार सिलेक्शन तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सब जगह यूट्यूब से सिलेक्शन हो जाता। कोई आपको याद करवा दे, तो भैया लर्निंग ट्रिक के भी ढेर सारे वीडियोज हैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, और आपको चीजें याद कराई जा सकती हैं। लेकिन कोई प्रैक्टिस करा दे, तो ढेर सारे एग्जाम्स हैं जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, और टेस्ट सीरीज वगैरह चलाने से आपको कि हाँ भाई प्रैक्टिसिंग है, बाजार में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं क्वेश्चन बैंक की, तो देखा जाए तो ये चारों चीजें चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, एक नया कंसेप्ट निकाला इन सबसे बियॉन्ड, और इन सबसे बियॉन्ड जिसमें कि आपकी टीचिंग की भी स्किल्स आ जाती हो, आपके लर्निंग की स्किल्स भी आ जाती हो, और प्रैक्टिस सीरीज भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ जाते हो, और इसको हम बोलते हैं मजे की बात है चिड़िया उड़। ये एक बहुत नया कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट में बेसिकली ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है कि एक ही टॉपिक के ऊपर ढेरों तरह से प्रश्न कैसे किए जाते हैं। मेरे कुछ बच्चों के रिव्यूज हैं, और उसके बाद कुछ प्रश्न हैं बड़े शानदार शानदार से, कि जिनको 15 सेकंड या 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। जरा इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा। निवेदिता, आई यूज टू रन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेशन चिड़िया उड़। हाउ मेनी टाइम्स यस एक्चुअली यू हैव यस पार्टिसिपेटेड इन दैट? बहुत मजा आता था, मतलब कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाते थे। एंड कभी कभी मतलब व्हेन यू गिव दोस क्वेश्चंस विद कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, एंड आपके क्वेश्चंस में कभी कभी दोस कीवर्ड्स विल नॉट बी देयर, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल लिसनिंग टू दोस क्वेश्चंस। तो उस सभी में आई थिंक आई एंजॉयड अ लॉट सो मोर लाइक देन हाँ मोर देन मतलब एग्जाम के लिए पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, मोर देन दैट आई एंजॉय द प्रोसेस डेफिनेटली। So, like, what do you say about the learning through चिड़िया उड़? Absolutely Learning. recommended, 100% recommended, क्योंकि सिर्फ नोट्स रिवाइज करने से आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर नहीं होते हैं। ओनली आफ्टर यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड द डायमेंशंस थ्रू व्हिच क्वेश्चंस कैन बी गिवन, उसी से ही यू कैन गेट अ क्लियरर पिक्चर ऑफ हाउ द एग्जाम विल बी। एंड चिड़िया उड एक्चुअली गिव्स यू द आईआईटी जैम का यू नो लुक, तो कैसे रहेगा आपको, कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो दैट इज रियली रियली गुड। एंड विद द टाइमर यू हैव दैट टाइमर का थिंग आल्सो गोइंग ऑन, सो जल्दी जल्दी आंसर करना है एंड इट शुड बी एक्यूरेट, सो बोथ द थिंग्स आर रियली चिड़िया उड़ के लिए बहुत। दक्ष, मैं कई सारे तरह की प्रॉपर्टीज और वैरायटीज आप लोगों के क्लास में रहता हूँ कि एक तो पॉजिटिविटी जो मेरा यूजुअल एक ट्रेंड है कि बच्चे पॉजिटिव रहने चाहिए, एक तरह का मेरा जो तरीका होता है चिड़िया उड़ सेशन, और एक तरीका होता है मेरा नॉर्मल पढ़ाना। आप इन तीनों को अगर आप मार्क करोगे सीरियल वाइज, सबसे ज्यादा आप मुझे किस में मार्क्स देना चाहोगे एज एजुकेटर इन तीन तीन फील्ड्स में से, जिससे आप सबसे ज्यादा बेनिफिटेड हुए? सबसे ज्यादा तो चिड़िया उड़, ओके, आपने जो पॉजिटिविटी का जो मतलब बताते हो, मोटिवेशन देते हो, वो फिर जो आप अच्छे से पढ़ाते हो, तो चिड़िया उड़ आपको कितना फायदा रहा ओवरऑल? सर एक तो चिड़िया उड़ मतलब आपको पूरा प्रैक्टिस करवा देता है जो कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले उसके हिसाब से, और फिर सर आप थोड़े आप वो क्वेश्चन पूछते हो जिसमें आपको पता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, तो उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि इस टॉपिक में से यह क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको अच्छे से दोबारा पढ़ लेना चाहिए। में जो रिवीजन होता है तुम्हें जो चीज नहीं पता होगी ना शायद कि ये लैग कर रही थी, वो वहां एमसीक्यू में वो प्रैक्टिस करते वक्त वो सारे क्वेश्चंस के पता लग जाती है कि अरे ये क्वेश्चन नहीं आया, मतलब ये चीज हमारा वीक टॉपिक है, इसको फिर से जाकर रिवाइज करना है। प्रैक्टिस करते हैं हमारा दिमाग उस तरीके से चलने लग जाता है कि एमसीक्यू में कैसे सोचना है, तो चिड़िया और सिचुएशन की हेल्प इंटरव्यूज में भी हुई और साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। आई एम टॉकिंग अबाउट चिड़िया और बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइट्स, श्योरली वो करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो रिविजन होता है, जिस तरीके से वो चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, दैट मेक्स यू थिंक एक्चुअली। इट्स नॉट दैट यूजुअल कि इसका डेफिनेशन ये है तो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा, बिल्कुल नहीं। तो वो दैट इज समथिंग चैलेंजिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो उस वो फाइनली कोर्स के एंड में आता है जब आपने सारी कोर्सेस सर की खत्म कर दी है, तो
और ये भी बहुत जरूरी बात है कि आपने सर की ही कोर्सेस की है, क्योंकि आप जब चिड़िया उड़ में बैठोगे सर के साथ, देन आपको वो क्वेश्चन समझने के लिए सर की टीचिंग भी समझनी पड़ेगी। सो जो चिड़िया उड़ सेशन आप करवाते थे, दैट आर मोस्ट बेनिफिशियल नॉट जस्ट फॉर दोज एग्जाम्स वेयर एनालिटिकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, लाइक टिफर हो गया, या इवन इन द फर्स्ट राउंड्स ऑफ मेनी इंटरव्यू बेस्ड इंस्टीट्यूट्स लाइक JNCSR और इवन ICER, जहाँ पे फर्स्ट राउंड में वो लोग ऑनलाइन एग्जाम लेता है तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। And in the interviews where no direct question is asked, especially if you are giving an integrated PhD interview, तुमको ये नहीं पूछेगा कि कितने number of genes होंगे तुम्हारे body में और ये सब, तुमको कोई experiment दे देगा and you would need to like solve that problem. तो ये सब analytically solve करने के लिए ही वो चिड़िया उड़ sessions were सबसे ज़्यादा beneficial, because आप कोई भी direct question नहीं देते। Sir, chidiya ud is the best thing that sir a revision pack can be. मतलब सर जिसने कॉन्सेप्ट एक बार पूरा पढ़ा हुआ है और सर इनको उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं खुद से, वो क्वेश्चंस करे और सारे जितने भी वीक पॉइंट्स है उसको नोट करे और दोबारा पढ़े, सर दैट इज अ बेटर रिवीजन। सर मैंने आई वुड से मैंने 50% लेक्चर किए हैं एंड 40% समवेयर चिड़िया उड़ एंड 10% रिवीजन, सर उससे क्विक रिवीजन हो नहीं सकता। सर आपने गेट भी के पहले ले जो सर सुबह क्लास रखी थी सर चिड़िया उड़ वाली, सर वो सर टर्निंग पॉइंट था। मैंने सर बहुत बच्चों से बात की, मेरे पियर फ्रेंड से, सब ने यही बोला कि सर उतने कम टाइम में हम बैठ ही नहीं सकते रिवाइज करने। सर इस पूरी प्रिपरेशन में कैसा रहा? इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन बिकॉज़ एवरीथिंग वाज लाइक ऑल द क्वेश्चन आई वंस आई फिनिश माय चैप्टर्स एंड ऑल इट वुड ऑल माय एग्जाम सॉरी द क्वेश्चंस एंड ऑल वुड बी डन इन चिड़िया उड़ सेशन ऑल द क्वेश्चंस एवरीवन इट वाज हाइप्ड सर एनीवेयर आई गो इन टेलीग्राम और व्हाट्सएप देयर विल बी लाइक चिड़िया उड़ सेशन एचएमटी सर का एचएमटी सर आई वाज वंडरिंग लाइक व्हाट इज इट देन वन डे आई जस्ट सॉ आई वाज लाइक नो आई एम नॉट गोना लीव दिस आई जस्ट चिड़िया उड़ ने सर इतना हेल्प किया है ना, गैटबी के पेपर के एक दिन पहले, जैम के पेपर के एक दिन पहले आपके 2-3 लेक्चर्स अगर लाइव आप लेते हो कि टॉप वांटेड मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, या फिर जनरल जो चिड़िया उड़ हमारा चलता रहता है उससे कर लो तो बार बार बुक से भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे कोई आप ऐसे क्वेश्चन ध्यान में नहीं रहता कि चलो ये बुक में क्वेश्चन आप बनाते हो, तो हमारा भी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है कि चलो ऐसी भी चीजें आ जाती हैं। एंड सर इस वजह से मैं बताऊंगी आपको, चिड़िया उड़ की वजह से सर इंटरव्यू में बहुत हेल्प हुई, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन एप्लीकेटिव पूछे थे, मतलब दे स्टार्टेड जनरल क्वेश्चंस लेकिन उसके बाद वो रियल लाइफ प्रॉब्लम दे रहे कि चलो ऐसा हो गया ये हो गया तो तुम बताओ कैसे, तो उतना हमें उसमें डिफिकल्टी नहीं लगी बिकॉज आदत थी क्योंकि आप वैसे ही प्रैक्टिस करवाते थे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे मतलब जो सबसे पहला हाथ रहा वो है आपके चिड़िया उड़ सेशंस, तो जिस टाइप के आप क्वेश्चंस लेके आते हो एट द मोमेंट वो मतलब एक वेरियस फील्ड से आते हैं, एक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम, एंड ऑल्सो ऑप्शंस जो है वो एक काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं उस टाइम पे, बट आपको आगे चल के पता चलता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है कि वो कितने हेल्पफुल थे। आई थिंक उसके साथ साथ आपके जो थ्योरी सेशंस थे वो भी आप कभी कभी लेक्चर्स में बताते कि दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, तो मैंने ऐसे देखा है कि मैंने जब नोटबुक में वो क्वेश्चन मार्क किया है, वो टॉपिक मार्क किया है, तो उसी में से ही कुछ क्वेश्चंस आए, तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। सर अगर पर्टिकुलरली मैं चिड़िया उड़ की बात करूं तो पहले हमें सर बोलते थे कि अभी पढ़ लो अच्छे से, देन यू वुड हैव चिड़िया उड़ एंड देन फिर देखते हैं तुम लोगों ने कितना पढ़ा है। फिर वो चिड़िया उड़ सेशन ही ऐसे प्लान्ड होते हैं कि आप सर का सारा नोट्स रिवाइज कर सकते, मतलब अगर आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक का सर टॉपिक वाइज चिड़िया उड़ कराते हैं तो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक का चिड़िया उड़ किया आपका प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ लूपहोल्स हैं मेरे प्रिपरेशन में, कहाँ कहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर हम वापस उस चीज को रिवाइज करते हैं, फिर ऐसे ऐसे हमारा टॉपिक स्ट्रेंथन होता है। सर का एक चिड़िया उड़ सेशन होता है तो वो कंपलसरी अटेंड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जितना आपका रिवीजन होता है शायद आप कभी भी खुद से इतना रिवीजन नहीं कर सकते जितना उस सेशन में आपका रिवीजन होता है नोट्स का, और भी क्वेश्चंस कराते हैं जो कंसेप्ट से ज़्यादा आपके IQ लेवल के भी ऊपर बेस्ड होते हैं, जिससे हमारे को पता लगता है कि हाँ हमने कंसेप्ट को कितने डीप तक सीखा है, कहाँ तक हमारी कहाँ पर हमारी कमियाँ हैं, ये सारी चीज़ें उसमें समझ में आती थी। सर भी हमें अपने मोटिवेशन क्लासेस में बोलते थे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है, और जो सर की कीवर्ड वाली क्लास होती है ना, एक कोर्स के एंड होते होते तक उनका चिड़िया उड़ सेशन आता है जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डिसाइड करता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए।
तो वो कीवर्ड की क्लास से लेके अगर आप स्टार्ट करेंगे और आप चिड़िया और तक जब तक पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज होगा, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी देखेंगे, भले आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए। मैंने सवाल पूछा था इनमें से कौन सा चीज ग्लाइकोलाइसिस के बारे में एक गलत चीज है। ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रोसेस एट ऑल। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनमें ग्लाइकोलाइसिस होता ही नहीं है, वहां पर जो प्रोसेस चलता है वो केडीओ पाथवे चलता है। वहां पर केडीओ ये कैटाबोलिक है, जहां पर भी ये कैटाबोलिक है सही बात है, इसमें डेल्टा जी नेगेटिव होती है, यह एक एनएरोबिक प्रोसेस है, लेकिन ये यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं है, यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। चलिए अगला एक सवाल करते हैं, और सवाल किया मैंने यहां पर इनमें से कौन सा एक जोड़ा एपिमर्स का नहीं कहा जा सकता, और चॉइसेस मैंने आपको दी चार, और इस वक्त आपके सामने जो उत्तर हैं वो हैं ये वाले, 30 सेकंड मैंने आपको दिए हैं। अगर आपने ऑल अटर ग्लकमान वाला मेरा जो कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों को वीडियो में पहले नंबर की वीडियो में सिखा रखा है उसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, तो ग्लूकोज का नंबर कितना होता है 3, ऑल अल्टर ग्लक मान और मैनोस का कितना होता है 2-3, दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का हुआ C2 का। ग्लूकोज का कितना होता है 3 और गैलेक्टोज का कितना होता है 3-4, दोनों के बीच में अंतर किस चीज का हुआ, एक अंतर C4 का। गैलेक्टोज का नंबर कितना है 3-4 और टेलोज ऑल अल्टर ग्लक गुलिट गालताल तो 2-3-4, दोनों के बीच में अंतर किस चीज का हुआ C2। तो ये सारे के सारे एपिमर्स हैं, ये भी एपिमर है, ये भी एपिमर है, ये भी एपिमर है, आंसर क्या बन गया नन ऑफ अबव। पहला कंफ्यूजन, मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी ट्रिक को पूरा का पूरा सही ढंग से याद रखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड sugars, एक दूसरे से सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड sugar की कैटेगरी में आप इसको डालना चाहोगे, और माय आंसर इज दिस वन, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड sugar, इनमें से कौन से कहे जाएंगे। और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कोई ना कोई आधार मैंने रखा होगा जिस बेसिस पे मैंने ये मोस्ट क्लोजली sugars कहा था इनको। थोड़ा सा लॉजिक जरा देख लें, किस जगह पर लॉजिक था कि सबसे निकट संबंधित इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज, ये कौन सी है एल्डोज और ये कौन सी है कीटोज, कोई रिलेशन ही नहीं है यार, अलग अलग मामला है, एक नाम एक जैसा है। साइकोज और एलोज, ये आपका साइफ्रू सॉर्ट है, ये आपका कीटोज है, ये आपका एल्डोज है, ये आपका एल्डोज है और ये आपका कीटोज है, लेकिन ये दोनों के दोनों एल्डो पेंटोजेस हैं। तो सबसे ज्यादा रिलेटेड कौन से हुए स्ट्रक्चर वाइज, ये वाला है, आंसर इज बी। पाइरुवेट के कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन में कितने एटीपी बनेंगे, अगर आपने एरोबिक शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो जहां भी एरोबिक शब्द होगा ये कहने का मतलब है कि आपको ईटीएस के बारे में बात करनी है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन थे वैसे तो, पर आप इसका आंसर फिर भी देने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लूकोज से लास्ट चीज बनी पाइरुवेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पाइरुवेट ने कहा मैं जा रहा हूं एसिटाइल कोएंजाइम में बनाने के लिए, मैंने कहा जा, एसिटाइल कोएंजाइम ने कहा मैं गोल चक्कर के अंदर घूमूंगा, लेकिन उसके पहले ये भाई साहब एक NADH2 बना चुके हैं। जब ये अंदर गए तो इन्होंने 3 जगहों पर NADH2 बनाया, और एक जगह पर इन भाई साहब को लगा कि यार हम तो FADH2 भी बना सकते हैं, और एक जगह पर इन्होंने कहा कि हम GTP बनाएंगे। 3 NADH2 का सामान्य तौर पर मतलब कितना हो गया, 3 NADH2 चौथा NADH2, 4 NADH2 कितना हो गया 12, 1 FADH2 कितना हो गया 2, और 1 GTP कितना हो गया 1, और सारा मामला कितना हो गया 15। आंसर इज डी। मजेदार तो था। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेप्स अकर ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल, तो कितनी बार एक क्रेब साइकिल में ऑक्सीडेशन नाम की घटना घटित होती है, और ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, एक बार फिर आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स। मैंने अभी भी आपके सामने ये बनाया था, ये एक ऑक्सीडेशन है, ये एक ऑक्सीडेशन है, ये एक ऑक्सीडेशन है, और ये एक ऑक्सीडेशन, 4 ऑक्सीडेशन यहाँ पर नजर आ रहे थे आप,